गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास टू का चैप्टर फाइव रीड करेंगे, हमदर्द लकड़हारा। किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो रोज़ाना जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर जाकर उनको बेच आता। लकड़ियां बेचकर जो पैसे मिलते उनसे वो अपने घर का खर्च चलाता। एक दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था, अचानक सामने से उसे एक शेर आता दिखाई दिया। पहले तो वो बहुत डरा, फिर उसने सोचा कि जब मरना ही है तो शेर का मुकाबला करके क्यों ना मरा जाए। ये सोचकर वो कुल्हाड़ी पर अपनी पकड़ मजबूत कर खड़ा हो गया। शेर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आता जा रहा था। शेर उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसने लकड़हारे पर हमला नहीं किया, बल्कि अपना एक पांव ऊपर उठाया। उसके पांव में एक कांटा चुभा हुआ था, जिसकी वजह से उसके पैर से खून बह रहा था। पहले लकड़हारे ने सोचा कि इस कुल्हाड़ी से शेर का काम तमाम कर दूं, लेकिन साथ ही उसने ये भी सोचा कि यूं किसी मजबूर पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, मतलब हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। ये सोचकर वो शेर के करीब गया और उसके पांव से कांटा निकाल दिया। कांटा निकालने के बाद शेर को आराम महसूस हुआ। वो एहसान भरी नज़रों से लकड़हारे की तरफ देखने लगा और फिर उसने जंगल की राह ली। लकड़हारा जिस शहर के करीब रहता था वहाँ का राजा बहुत जालिम था। वो ज़रा ज़रा सी बात पर लोगों को सख्त सजाएं देता था। उसका हुक्म था कि जब वो कहीं से गुजरे तो रास्ते में सभी लोग हाथ बांधकर खड़े हो जाएं और झुककर उसे अदाब करें। एक रोज़ जब लकड़हारा लकड़ियाँ बेचने शहर जा रहा था तो राजा की सवारी उधर से गुजर रही थी। लकड़हारा वहां से सीधा गुजर गया। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि तुम उस गुस्ताख को पकड़ लो और कल हमारे दरबार में पेश करो। अगले दिन लकड़हारे को राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा ने लकड़हारे से गरज कर कहा, ऐ गुस्ताख, कल जब हम जा रहे थे तो हमें झुककर अदाब क्यों नहीं किया। लकड़हारा बोला, हुजूर, इंसान का सर सिर्फ अल्लाह के आगे झुकना चाहिए। ये सुनकर राजा गुस्से से बेकाबू हो गया और अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे ले जाकर कैद खाने में डाल दो, कल हम इसके बारे में फैसला सुनाएंगे। अगले रोज राजा ने दरबार में कहा कि उसकी गुस्ताखी की सजा मौत है। जंगल से एक शेर पकड़ के लाओ। उसे कई रोज तक भूखा रखो और हफ्ते के दिन लकड़हारे को उस भूखे शेर के आगे डाल दो और वहाँ उस बात की मुनादी करा दो ताकि लोग उसकी सजा को देखने के लिए इकट्ठे हो जाएं। और फिर किसी की ऐसी गुस्ताखी की ज़रूरत ना हो। मुकर्रर वक्त पर सब लोग एक बड़े मैदान में इकट्ठे हो गए। लकड़हारे को मैदान में खड़ा कर दिया गया। भूखे शेर को पिंजरे में लाया गया। बादशाह का इशारा पाते ही लकड़हारे को पिंजरे के अंदर डाल दिया गया। शेर दहाड़ता हुआ लकड़हारे की तरफ लपका, लेकिन जैसे ही शेर उसके पास पहुंचा, ये क्या, सब लोग हैरान रह गए। शेर ने लकड़हारे के पैरों में अपना सर रख दिया और अपनी जबान से उसके पैरों को चाटने लगा। बात दरअसल यह था कि वही शेर था जिसके पांव से लकड़हारा
लकड़हारे ने एक दिन कांटा निकाला था। शेर भूखा तो था ही, वो लोगों की तरफ लपका। सब लोग इधर उधर भाग गए क्योंकि राजा बहुत मोटा और शाही तख्त पर बैठा हुआ था, इसलिए वो भाग ना सका। शेर राजा पर झपट पड़ा और चीर फाड़ कर उसको खा गया। इस तरह जालिम को उसके जुल्म की सजा मिल गई, जबकि हमदर्द लकड़हारे को उसके नेक काम का अच्छा बदला मिला। बाद में सब ने मिलकर लकड़हारे को अपना राजा बना लिया। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें यह तालीम हासिल होती है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो जाहिर सी बात है आज न कल हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। हमदर्दी से जुल्म व सितम का खात्मा हो जाता है। हमदर्दी से जुल्म और व सितम का खात्मा हो जाता है। जिस तरह राजा को उसके किए की सज़ा मिली, जानवरों से हमदर्दी करने वालों को अच्छा सिला मिलता है। जिस तरह लकड़हारा राजा बन गया, तो हमदर्दी से सब कुछ का खात्मा हो सकता है। जिस तरह राजा का खात्मा हो गया और उसे सज़ा मिल गई, जानवरों से हमेशा नरमी और हमदर्दी से पेश आना चाहिए। जिस तरह लकड़हारा पेश आया और वो राजा बन गया। अल्फाज के मानी हैं, लकड़हारा मीन्स लकड़ियाँ काट कर बेचने वाला, लकड़हारा मीन्स लकड़ियाँ काट कर बेचने वाला। गुस्ताख मीन्स बेअदब, मुकर्रर वक्त, पहले से तय वक्त। ज़ुर्रत मीन्स हिम्मत, हौसला। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर 5 रीड किया और इसके मानी भी रीड किए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अल्फाज के मानी जो भी हैं उसे अच्छे से याद कीजिए। आगे का क्वेश्चन आंसर जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।